यूपीएमएसपी बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल छोड़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा दूसरा मौका। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगी परीक्षा। कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी, 24 दिसंबर से खुल रहा बोट क्लब। लखनऊ पहुंची हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी, ढोल नगाड़े के साथ हुआ शानदार स्वागत। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए गोरखपुर जिले में बन गए 222 केंद्र, 30,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 52 विदेशी औद्योगिक समूह यूपी में निवेश के लिए आए आगे, निवेशकों की संख्या में अभी और होगा इजाफा। आज गोरखपुर से दिल्ली के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेन, ट्रेन गोरखपुर से रात 8:55 पर छूटेगी। मुरादाबाद अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में रुकमणी क्रिकेट अकेडमी ने आरएसडी अकेडमी को हराया। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक बनी नई मेट्रो लाइन, 37 किलोमीटर लंबा होगा रूट। पीआरडी के मंडल स्तरीय 47वें स्थापना दिवस का आयोजन, मुरादाबाद की टीम ने रस्साकशी में प्रथम स्थान हासिल किया। माघ मेला 2023 प्रयागराज में, संतों और संस्थाओं को जमीन आवंटन का काम शुरू, 25 दिसंबर तक बटेंगी ये जमीनें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।